एक कहावत बहुत फेमस है, खिचड़ी के हैं चार यार, दही पापड़ घी अचार। तो चलिए आज बनाते हैं मकर संक्रांति के लिए एक खास खिचड़ी, बिना प्याज लहसुन के बहुत टेस्टी बनेगी, साथ में अचार भी बनाएंगे, रायता भी बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा एकदम परफेक्ट खिचड़ी बनी हुई है। इसको बनाने के लिए मैंने खिचड़ी वाले चावल लिए, आधा कप चावल है, 1/4 कप मैंने चने की दाल ली है और 1/4 कप भी मैंने मूंग की छिलके वाली दाल ली है। वैसे तो आप दाल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों दालों का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि चने की दाल का दाना जब मुँह में आता है ना खिचड़ी में, बहुत टेस्टी लगता है। तीनों को हम आराम से मिला लेंगे और उसके बाद अच्छे से 2 से 3 बार पानी में धोकर और उसके बाद भिगो देंगे। इतनी देर पहले रायता तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम दही लिया है, उसको अच्छे से बिलो लिया है। उसके बाद डालेंगे आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच भुना जीरा और आधा ही कटोरी मैंने इसके अंदर बूंदी डाल दी है। और ये बूंदी को मैंने पानी में अच्छे से भिगो लिया है, क्योंकि बाजार की बूंदी में ऑयल होता है जिससे रायते का टेस्ट खराब हो जाता है। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया और इसको रख देंगे साइड में। ये हमारा रायता तैयार, तड़का लगाएंगे बाद में। अब तैयार करते हैं फटाफट वाला अचार। 5 मिनट में मिर्ची के टिपोरे जो इस खिचड़ी के साथ बिल्कुल परफेक्ट जाएंगे। 3-4 बड़ी वाली हरी मिर्ची ली है, इनको हम इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों के अंदर कट कर लेंगे। अब खट्टा टेस्ट देने के लिए क्या करें, तो मैंने थोड़ा सा अलग किया। क्यों? क्योंकि आजकल आंवले बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मैंने 2 आंवले लिए, उनको भी अच्छे से चॉप कर लिया, क्योंकि आंवले से इसमें खटास भी आएगी और साथ में ये अचार हेल्दी भी हो जाएगा। ये देखिए मैंने 2 आंवले लिए, अब इनके भी हम बड़े बड़े पीसेस निकाल लेंगे, ज़्यादा नहीं छोटे करने, बस इस तरह से हम इसकी लंबी लंबी फांके निकाल लेंगे। उसके बाद हम इस अचार को तड़का लगाएंगे। ये अचार ऐसा है जो खिचड़ी के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। जिनको तीखा चटपटा खिचड़ी को खाना है ना, उनके लिए तो ये परफेक्ट है। और खिचड़ी में हम थोड़ा सा मिर्च कम डाल सकते हैं ताकि बच्चे भी खा लें। मेरे घर में तो सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आई। आप सब भी अगर ट्राई करें तो ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में सबको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए कितने अच्छा जो है, अब हम इसका अचार बनाएंगे, वो भी सिर्फ 3-4 मिनट में। 1 चम्मच ऑयल लेंगे, आधा चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग डालेंगे और जो हमारी मिर्च और आंवला कटा हुआ है वो डाल देंगे। अच्छे से इनको फ्राई होने देंगे। अब डालेंगे थोड़े मसाले, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर जो है लाल मिर्च पाउडर डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छे कलर के लिए, थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक डाल दिया है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और 2 चम्मच सफ़ेद तेल डाल देंगे। अगर आपको लगे तो आप अमचूर डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा हमें नॉर्मल नमक डालना ज़रूरी है, क्योंकि काला नमक मैंने बहुत थोड़ा डाला है, बाकी और कोई भी मसाला नहीं जाएगा। इसे 2-3 मिनट तक ढककर पकाएंगे और 2-3 मिनट के बाद ही ये बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैंने 1 मिनट में अचार बनाया और 2 मिनट इसे ढककर पकाया, यानी टोटल 4 मिनट में अचार बनके तैयार। अब मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाला है। बस हमारा बहुत परफेक्ट अचार तैयार है। एक बार ही हम इसे ढककर और पका लेंगे ताकि नमक और मसाले जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। टोटल इस अचार को बनाने में 5 मिनट लगाए और रेडी टू ईट है और बहुत ही टेस्टी अचार बनाएं। अब हम कुकर का लेंगे कुकर, उसमें 3-4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच हींग डालेंगे, हींग थोड़ी ज़्यादा ही जाती है खिचड़ी में, थोड़ी सी अदरक डाल देंगे और 2 हरी मिर्चें बीच में से स्लिट करके डाल देंगे। आज मैंने बिना प्याज की खिचड़ी बनाई है, जैसे कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति भी बनती है। अगर आप प्याज खाते हैं लहसुन तो आप डाल सकते हैं। आधी कटोरी यानी 2 गाजर मैंने काट के डाल ली, आधा कटोरी प्याज, 1 बड़ा आलू था उसको चॉप करके डाल दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे। और मसाले तो वही डालने हैं जो हमारे किचन में मौजूद है। इससे पहले क्योंकि प्याज नहीं डाला था तो मैंने कहा चलो आज इसको और टेस्टी बनाते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक चॉप करके डाल दिए, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये सारे मसाले तो वही होते हैं जो हमारे घर में मौजूद है। बस मैंने आज प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन हमारे जो खिचड़ी बनती है उसमें हम प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, मैं एक चीज़ डालना भूल गई हूँ, आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी मूंगफली डाल सकते हैं, पर इसके अंदर हम पालक जरूर डालते हैं संक्रांति पर बनाई हुई खिचड़ी में। तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम के लगभग पालक को बारीक चॉप करके डाला था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से ये खिचड़ी ऐसे तैयार होगी, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और खिचड़ी वैसे भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मकर संक्रांति पर हमारे यहाँ इसी तरह से खिचड़ी बनाई जाती है। बस अच्छे तरह से जब मसाले और पालक सब चीज़ें और सब्जियाँ फ्राई हो जाएंगी, और जितना तेल हमने डाला था उसके अंदर ही, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना,
क्योंकि अभी हमें इसमें घी का तड़का लगाना है, घी तो इसका खास यार है। अब जो खिचड़ी भिगो के रखी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी और इसको अच्छे से चला लेंगे और ऊपर नीचे कर देंगे। वैसे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, आप ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि खिचड़ी के अंदर तो अभी सारी खूब सारा पानी जाएगा और ये अपने आप ही मिक्स हो जाएगा। अब टोटल मेरे पास 1.25 कप की लगभग खिचड़ी थी, तो हम उसके 1.25 कप यानी 4 गुना से ज़्यादा पानी डालेंगे, तभी हमारी खिचड़ी अच्छी बनेगी। इसके लिए अच्छा है कि आप बड़ा सा कुकर लें जिसमें अच्छे से खिचड़ी पक सके और इसमें अच्छे से सीटी आ सके और इस दौरान पानी बाहर ना आए। बस अब हम अच्छे से चला देंगे और कुकर का ढक्कन और विसल लगा देंगे। इसके बाद 5 सीटी आने का इंतजार करेंगे। मैंने 5 सीटी आने दी थी, उसके बाद कुकर को काफ़ी हद तक ठंडा होने दिया। ये देखिए कुकर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको खोलकर देखेंगे। वैसे तो हमारी खिचड़ी श्योरली पक गई होगी, 5 सीटियाँ काफ़ी होती हैं, पर फिर भी एक बार देखना ज़रूरी है। ये देखिए खिचड़ी अच्छे से पक गई है, मूँग के छिलके के दाने जो है वो ऊपर ऊपर आ जाते हैं। जब हम इसे मिलाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। ना तो हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत है ना ही कुछ और चीज़, क्योंकि मैंने पहले ही काफ़ी सारा पानी डाला था। और हमारे यहाँ थोड़ी सी पतली खिचड़ी भी खाई जाती है, और खिचड़ी आपको पता ही होगा अगर रखा रहने दो ना तो थोड़ी देर बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया और खिचड़ी को वापस से ढक देंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही परफेक्ट मकर संक्रांति के लिए तैयारी है। अब लगाएंगे इसमें घी का तड़का। मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी लिया है, उसमें 1 चम्मच सरसों के दाना, 1/2 चम्मच हींग, खूब सारा कड़ी पत्ता डाल देंगे और 3-4 सूखी लाल मिर्चें, और उसके बाद मिलाएंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। और बिल्कुल जो मंदिर के अंदर खिचड़ी का प्रसाद बनता है ना वैसी खिचड़ी बनके तैयार हुई है। अब ऐसे ही दही में तड़का लगाने के लिए मैंने 1/2 चम्मच तेल लिया है, उसमें थोड़े से सरसों के दाने, 2-3 कड़ी पत्ते डाल देंगे, ज़रा सी हींग डाल देंगे और साथ में 1 मोटी वाली लाल मिर्च जो गोल मिर्च होती है वो डाल दी। ये तड़के के ऊपर देखने में सुंदर लगेगी और सारी चीज़ों को दही के ऊपर पलट देंगे। बस इस तरह से हमारे चारों खिचड़ी के यार तैयार हैं। ये रही खिचड़ी, पापड़, दही, अचार और घी। मैंने सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप देख पाएँ।